क्या ये हिंदू नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? क्या हम दोनों अलग अलग है क्या? आपके अब्बा कहाँ रहते थे? शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में वो भी इंतकाल हो गया, वो मर गए। मर गए। अब आप माँ भी मर गए, बड़ा भाई भी मर गया। अच्छा, मैं अकेला हूँ। कितने साल हो तुम्हारे अब्बा को? मेरे बचपन में मर गए थे ना। तो पेपर नहीं होगा तो जनरली लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे भागना पड़ेगा। जरूर लाइन में खड़ना पड़ेगा सभी लोग को। तो इसमें क्या लगता है गवर्नमेंट के ऑफिसर की कमाई? कुछ नहीं होगा, रिश्वत खाएगा सभी लोग फिर से, जैसे नोटबंदी के टाइम पे खाया था। माँ, आजकल सब्जी का रेट जो इतना तेज है, कैसा लगता है? सब्जी तो बहुत रेट है, ले नहीं सकते। प्याज भी इतना रेट है, 150 रुपया बोलते प्याज, कैसा लेके सालना बनाएगा बोलो। बहुत मुश्किल जीना, बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो ये बताओ मैडम कि एक नया कानून बना है। हाँ। तो उसमें ये पूछ रहा है कि आप किस देश का निवासी है, पता है आपको? हाँ, देश मतलब इंडिया का। हाँ, इंडिया का। आप कौन से देश का रहने वाला है? भारत का रहने वाला है? हाँ, हम भारत का रहने वाले। तो गवर्नमेंट पूछेगा आपसे कि तुम सबूत दो, तुम भारत का रहने वाला, तो आप गवर्नमेंट को क्या सबूत देंगे? आपके पास क्या सबूत? हमारे पास जो आधार कार्ड है ना, वो देगा। आधार कार्ड बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है आजकल तो, वो सब जगह यहाँ पूछते ना। आपका बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ, है ना। है। जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है आपका और आपके फादर का, उनको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिनको नहीं है उनको प्रॉब्लम है। जिनके पास नहीं है वो क्या दिखाएगा? ये बताइए कि आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट होगा कि है कि नहीं है? होगा, देखना। तो मैं तो स्कूल छोड़ के 30 साल हो गया, क्योंकि 40 साल हो गया। देखिए, पासपोर्ट का वैल्यू नहीं है, नहीं आधार कार्ड का नहीं है, वोटर आईडी का नहीं है। तो मेन आपका जो मेन पेपर है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है? आप कहाँ पैदा हुए थे, बेंगलोर में या गांव में? नहीं, हमारे गांव में। तो गांव में तो उस वक्त तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता था? नहीं था। मैं तो घर में पैदा हुए, हॉस्पिटल में तो नहीं हुए जी। अभी बर्थ सर्टिफिकेट में वो माँ बाप क्या लिखा क्या है वही। तो अभी बिना बर्थ सर्टिफिकेट का काम कैसे चलेगा? कैसा चलेगा? अभी रात में मैं भी वो भी सुना, वो आप जैसा बोले, जो पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, आधार कार्ड की वैल्यू नहीं, ये सब नहीं है। तो अभी कौन सा वैल्यू है, क्या है, समझ में नहीं आया। तो अभी सडनली जो ऐसा माहौल हो गया, आपको क्या लगता है कि इतने दिन हिंदुस्तान में रह के कुछ फील कैसा होता है? फील तो थोड़ा डर के फील होता है। सडनली आपको अपना देश पराया लगता है? हाँ, पराया लगता है। अभी क्या करेंगे, अभी ये लाना वो लाना, तो कहाँ से देंगे? अभी स्कूल में सर्टिफिकेट देने का जी। अभी स्कूल छोड़ के हम 40 साल हो गए। हाँ। हमारी उम्र 60 साल को होने को है, अभी हम क्या करके सोचना। तो आपको कभी उम्मीद नहीं था कि एक कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी होगी कम सरस 58-60। तो कभी आपने सोचा था कि 58 ईयर में जाके आपसे ये पूछा जाएगा कि आप हिंदुस्तानी है कि नहीं? या नहीं करके पूछेंगे। तो अभी मुश्किल है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है? बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है, अभी लेना ही पड़ेगा। ये जो नया कानून बना है, ठीक है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं नहीं, हमारे को तो इतना मालूम। अच्छा, अब ये नया कानून के हिसाब से आप भारत के वासी हैं कि नहीं है वो आपको बताना है, पता है? इतना तो मालूम होगा। अब कैसे आप बताइएगा कि आप भारत के रहने वाले, कैसे प्रूफ करेंगे? गवर्नमेंट पूछेगा क्या प्रूफ? तो क्या भी नहीं, हमारे पास आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है। अच्छा, अब आईडी कार्ड है आपके पास? वो आईडी कार्ड का वोटर आईडी है? वोटर आईडी का वैल्यू नहीं है, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। क्या प्रूफ और दे सकते हैं? राशन कार्ड है, राशन कार्ड का भी वैल्यू नहीं रहता। क्या प्रूफ देते? गवर्नमेंट आके पूछती कि आप यहाँ के भारतवासी हैं कि नहीं है, तो आप क्या प्रूफ देते? हमारे पास दूसरा क्या भी प्रूफ? अच्छा, एक बताइए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट घर में पैदा हुआ है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, फिर क्या प्रूफ देते आप? हमारे पास प्रूफ दूसरा क्या भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये बताइए, नया कानून बना है कि आपको ये साबित करना है कि आप नहीं समझ गए रहे कानून का, तो मतलब यह कहने में कि आप गवर्नमेंट एक सर्वे कर रहे हैं कि हर किसी को चेक कर रहे हैं कि आप भारतवासी हैं कि नहीं है, उसके लिए आपके पास क्या प्रूफ? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम है।
अगर मान लीजिए क्या प्रॉब्लम है आपका, बोल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गवर्नमेंट पूछेगा आप कहाँ से रहने वाले, क्या पेपर दिखाएंगे? वैसा बोले ना, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो बोले ना, वही है ना, गवर्नमेंट बोले ना वैसा बोले, गवर्नमेंट क्या बोले बताता हूँ। आपके पास वोटर आईडी नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया में क्या भी बोले ना, पेपर में नहीं है ना, पेपर में है ना। आप देखो मीडिया में वही तो चल रहा है हंगामा, इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सरकार क्या बोलेगा तो क्या बोले बताओ, बाहर वाले नाइजीरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर बाहर वाले नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वैसा नहीं, अब उन्हें जनरल से बोला था सरकार, जनरल नहीं बोला, सुनो सीधा से लोग जनरल बोले थे, नाइजीरिया से क्यों आएगा? गवर्नमेंट बोला, सब आदमी बोला वैसा, सबको नहीं बोला, वो आधा इन्फॉर्मेशन रहने से प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट बोला अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है, नाइजीरिया और पूरे दुनिया का नाम नहीं लिया, गवर्नमेंट श्रीलंका का भी नाम नहीं लिया, श्रीलंका भी लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे श्रीलंका में लोग हैं, उसको भी लाना चाहिए। ये एक्ट से आम आदमी को कोई परेशानी है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, क्या परेशानी है, कहाँ से प्रूफ देगा वो? बहुत सारा आदमी मतलब जैसे कि पूरा सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया, घर जैसे केरला में रिसेंटली हुआ ना, केरला में जैसे बाढ़ आ गया, पूरा 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 घर सब लूट गया, डॉक्यूमेंट सब चला गया, कहाँ से लाएगा? अभी अगली बार क्या करेगा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बोला ना, फिर क्रिश्चियन को अलग करेगा अलग कम्युनिटी, फिर बोलेगा सिख अलग कम्युनिटी जाएगा, फिर दलित अलग जाएगा, पूरा सभी लोग अलग करेगा, छान के सभी जैसे छन्नी लगा था बोलते ना, छन्नी लगा के सबको अलग करेगा, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बना के रखेगा। लेकिन आप ये बोल रहे हैं अभी डॉक्यूमेंट देने में दिक्कत हो, सभी को होगा, हिंदू को भी होगा, मुस्लिम को भी होगा, क्रिश्चियन को भी होगा, सभी को होगा, जानने के लिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं रहता ना किसी के पास। अभी सभी लोग क्या करेगा, जैसे लास्ट टाइम अपना नोटबंदी के टाइम पे लाइन पे खड़ा हुआ था ना, सब काम धंधा ऑलरेडी छोड़ के जाना पड़ेगा सभी को। एक्ट हो गया, आप बोल रहे पेपर नहीं रहे, तो पेपर नहीं होगा तो जनरली लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे भागना पड़ेगा, जरूर लाइन में खड़ना पड़ेगा सभी लोग को। तो इसमें क्या लगता है गवर्नमेंट के ऑफिसर की कमाई कुछ नहीं होगा, रिश्वत खाएगा सभी लोग फिर से, जैसे नोटबंदी के टाइम पे खाया था इस टाइम पे फिर खाएगा, सभी को नागरिकता मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, बट इसको कैसा पूछा, सिर्फ क्या करेगा, आधार कार्ड रिश्वत देना पड़ेगा। ये नया रूल बना है आपको उसके बारे में मालूम है, जो आपको नागरिकता देना है, सिटीजनशिप बिल के बारे में कुछ आइडिया है? हम इधर का नहीं, हम आंध्रा का, आंध्रा कहीं का भी, पूरे हिंदुस्तान का है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक रूल लेके आई है कि आप भारतवासी हैं कि नहीं है वो प्रूफ करना है, तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं, पूरा उधर है, इधर नहीं है कि नहीं है? नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या क्या देंगे गवर्नमेंट को, प्रूफ क्या देंगे? अभी मैं इधर पे आके नया हूँ, शादी कर लेके, हाँ अभी जाने के बाद बनाना, हाँ ये साबित करना है कि आप भारतवासी हैं, है ठीक है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हैं, हमारे बाप हैं, उनके बाप हैं, उनके बाप हैं, उनके बाप भी हैं। अब ये बताइए आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? जब ये एक छोटे 1950 में पैदा हुआ मैं, अभी 70 पर एक साल चल रहा है, हाँ। उस टाइम पर वो जो है खेड़े में पैदा हुआ, कर्नाटक में आने गांव में पैदा हुआ, सरजापुर में बोल को, वहाँ जो बर्थ सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं था, लिखा पढ़ी को से भी पेपर में लिखते हैं फलाने डेट पर पैदा हुआ, पेपर उठा के मस्जिद में रखते हैं, नहीं तो स्कूल में कहीं भी रखते हैं, खिस्सा खत्म। तो उस वक्त लोगों को सोच भी नहीं था कि इतना जरूरी नहीं, 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 जरूरी नहीं है, नहीं है, है कि नहीं? नहीं है। तो आप तो क्यों बोले, क्यों बोले तो जो भी है हिंदुस्तान में मिलजुल को चले, मिलजुल को पैदा हुए, मिलजुल को लड़े मरे, सब मिलजुल को चल रहे, अब सडनली पूछे तो दिक्कत हो, क्या करे, दिक्कत होते ही भी। बाप दादा जो फकीर लोग थे, प्रॉपर्टी नहीं बनाए, बच्चों को पाले, बस होता है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है, नहीं है। तो क्या कैसे साबित कीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के इंडिया के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, आप कैसे साबित करेंगे? मेरे पास ऑरेंज कार्ड है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं चलता है, वोटर आईडी नहीं चलता है, तो आपके पास थोड़ा आगे आ जाओ, आपके पास आपके आपका कोई प्रॉपर्टी वर है? आपके प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है, किसने, आपने खरीदा है कि आपके अब्बा ने खरीदा? अब्बा ने खरीदा। तो उसका पेपर है ना? वो पेपर है। तो वो पेपर रखिए तो उससे आपका काम चलेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अब्बा यहीं थे और यहीं का पेपर। कितने साल हुए अब्बा को? मेरे बचपन में मर गए थे ना। बचपन से
रुजर बोला ना, ये पहले बताओ, ये बताओ पहले, छोड़ो पहले ये बताओ कि प्याज कैसे बेच रहे हैं? 120 रुपए बेच रहा हूँ। 120 रुपए बेच रहे हैं, क्या ये कम होगा कि नहीं होगा? अभी जरा थोड़ा कम हुआ है, गए बार में 160 रुपया था, अच्छा अभी 120 रुपया हुआ। अब ये बताइए 2019 से खत्म होने वाला है कल, क्या 2019 का आज आज को कल को खत्म होने वाला है। 2019 में सबसे महंगा प्याज किस दिन बेचे थे, क्या क्या भाव का था? गए 15 रोज केवल 180 रुपए को बेचा था। 180 और मैक्सिमम क्या रेट गया था वहाँ पे? आपको 140 से 140 पे 5 रुपए खरीदी था, उसमें 2-3-4-5 किलो डैमेज चले जाएगा, 160 रुपए खरीदी पड़ता। अच्छा तो 200 लोग, कुछ लोग बोल रहे थे 300 रुपए किलो भी प्याज का, 300 लोगों ने नहीं बिका, नहीं बिका, 180 बिका, 180 मैक्सिमम था। अच्छा चलिए ये तो बात एक हो गई। दूसरी बात ये बताइए कि अभी नया लॉ पास हुआ है, नया कानून पास हुआ है जिसमें ये बताना है कि आप भारतवासी हैं। हाँ वाह, भारतवासी ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या पेपर है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट? हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ है, बर्थ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि आप यहीं के हैं? हमारा बाबा का डेथ सर्टिफिकेट है, हमारे दादा का डेथ सर्टिफिकेट है। अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बाबा का? बाबा का नहीं, लेकिन आपके फादर का? फादर का डेथ सर्टिफिकेट है। तब ये बताइए आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारतवासी हैं, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे को, थोड़ा सा याद है हमारे को, याद नहीं पेपर है आपके पास? पेपर है कि आप कहाँ पैदा हुए थे? हम वाशिंगटन में पैदा हुए, वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास पेपर है? पेपर नहीं है ना, पेपर नहीं है। ठीक है, हमारे वाले इंतकाल हो गए आज 35-40 साल हो गया, 40 साल हो गया। और दूसरी बात, हमारे वाली जो है एचएल में काम करते थे अंग्रेज के जमाने में। अच्छा, अंग्रेज के जमाने में क्या उधर से अंग्रेज है ना सर्टिफिकेट दे दिया, कौन सी भी बस्ती में जाओ, क्या तुम्हारा ये कौन सी भी कंपनी में जाओ आपको काम मिलेगा। वो आगे हमारी फूफू लेके चले गई, वो पेपर नहीं है, वो पेपर वो बता रहा हूँ ना, वो पेपर जो है हमारी फूफू लेके चले गई। हमारी फूफू से दरियाब करे तो मेरा बच्चा ले जाएगा काम में, जम गया ये चल में जम गया काम में। अच्छा, या अंग्रेज गया के बाद में वो काम में जम गया, उसके बाद जो है क्या बोल पेपर दे दे हमारे कुछ होता है काम पर चले गया ना, हम दूसरी जगह किधर भी एक काम पूछ के लेके जाएंगे, बल्कि नहीं वो किधर रख दिया है हमारे को पता नहीं करके ऐसा बता दिए। तो एक बहुत बड़ा मसला भी है कि हमें जो है 1942 में हमारी पैदाइश, क्या हमारी पैदाइश है 1942 का है। देखिए मैडम, अभी जो NRC आने वाला है, ठीक है ना, उसमें ये पूछा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं, उसको साबित करने के लिए आपसे पेपर और मांगा जाएगा, तो आपके पास क्या पेपर है देने के लिए? आपका बर्थ सर्टिफिकेट जी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर ID, इसका कोई मान्यता नहीं है जी। मेन मान्यता होगा ये साबित करना पड़ेगा आपको कि आप यहाँ के पैदा हैं, तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बाप दादा का पेपर कुछ है तो वो दिखाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ आपके पास है? हाँ है। चलो पेपर है, लेकिन क्या लगता है कि सडनली आप इतने दिन भारत में रहे और कोई आके आपसे पूछता है कि आप साबित कीजिए कि आप भारतवासी हैं, कैसा आपको महसूस होता है? नहीं ये चीज़ जो है गलत है, हम लोग इधर रहे ही, हमारे बाप दादा भी इधर के ही, अब सडन से कोई आकर पूछ रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये बात अलग है, हम लोग के पास है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बताते हैं, कोई बहुत सारे आदमी के पास नहीं है। जैसे समझो अभी अभी जो है ये सर्टिफिकेट सब कलेक्ट कर रही है, इससे पहले जो था कोई भी नहीं कलेक्ट करते थे, इसके जो भी कोई माने भी नहीं है, और वैसे भी इधर के भारत में जो रहने वाले हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको ये साबित करना कि हम यहीं के हैं बोलकर। तो ये बोल रही है आप साबित कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते। हाँ वही तो, बहुत सारे इंसान हैं कि नहीं कर पाएंगे। हमारा बाप दादा जो चले गए, हमारे बाप दादा जो दादा थे, हम तो ये पीढ़ी है, आप दादा दादा दादा, तो आजादी के टाइम में आप उन्हें रखना बोलना चाहिए थे, बाप दादा के टाइम में पूछना था इनको जी, अभी क्या नया नया उठा रहा है मोदी, मोदी के पास बोले इसके बाप दादा का आएगा पूछो, अमित शाह के पास उसके बाप दादा का आएगा पूछो, ये सब लेके आता है, तुम्हारा बताओ, तुम्हारा बाप दादा बताओ, तो कहाँ से लाएगा?
तो आपको लगता है बहुत परेशानी है। ये बोलता है मुर्दे को जिंदा करो, मतलब मुर्दा जिंदा हो सकता है, ये बात मिलती है उसके अंदर। ये बोलता है वो ले जाओ ये ले जाओ, तुम्हें पहले पूछा बोले राशन कार्ड होना हिंदुस्तान के, तुम्हें सिटीजन है, राशन कार्ड चल रहा था ना पहले, ये क्या चल रहा था बराबर ना, राशन कार्ड में आपका खानदान पूरा आ जाता था, बाद में तुम्हें पकड़ने को प्रदान करे आई डी पूरे प्राप्त हो तुम्हें हिंदुस्तान इलेक्शन कार्ड, उसके लिए पब्लिक को परेशान करके लाइन में खड़ा कर डाले, बच्चे वाले जीत लेके खड़ी थी वो खड़ी थी, तुम आराम से इसी में बैठे रहो, मिनिस्टर का नए नए कानून निकालो इसी में बैठे रहो, पैसा बनाते रहो, सब कुछ करते रहो, तो मिनिस्टर को पूछने वाला कोई नहीं है, मरी तो पब्लिक ही मरी ना, आई डी प्रूफ होने के बाद आधार कार्ड आ दो तुमने ये मिलेगा वो मिलेगा तो ये भी बंद, आधार कार्ड के लिए पब्लिक को लाइन में खड़ा कर डाले, धूप है बारिश है बीवी बच्चे कुछ मालूम नहीं, आप लोगों को परेशानी लोगों की तो मालूम नहीं, आपको तो कानून निकाल देना है, बैठे बैठे सोते सोते सुबह में याद आ गया निकाल लो, ये आप पॉलिटिक्स है आपकी, क्या ये हिंदू नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या, हम दोनों अलग अलग है क्या, चुतिया चुतिया बना के पब्लिक को लड़ाते रहना बस, इसको काटो सफेद कुर निकलता है, मेरे को काटो लाल निकलता है, कुछ नहीं है सब एक चीज है, वो हिंदू मुसलमान लड़ने को तो इसको मेरा काम होता है मेरा उसका काम होता है, वो लड़ने को तैयार नहीं है, हम लोग पूरा दोस्त हैं, सब बेवकूफ मत बनाओ जिंदगी में हिंदुस्तान। क्या नाम है आपका? मजीदुल खंडेकर। अच्छा कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता के। कलकत्ता के। अच्छा ये बताइए जो, अच्छा ये बताइए जो नया NRC आने वाला है ना? हाँ जी। ठीक है, इसमें साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के वासी हैं, तो क्या आप प्रूफ देंगे, आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ के NRC होने नहीं देता ना आदमी लोग, अभी आदमी आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है? है पैदा हुए हैं उसका सर्टिफिकेट पूरा है, पूरा है, पूरा है, तो पूरा सब है। बचा के रखे हैं, पूरा बचा के रखा, पूरा रेडी है, तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है हमारा, लेकिन आपकी दीदी तो बहुत सपोर्ट कर रही है ना आप लोगों, सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन फिर भी हमारा रेडी है तो उसमें क्या है, तो है वो सपोर्ट कर रही, रेडी भी है तो आपको चिंता ही नहीं, चिंता ही नहीं। ये बताओ कि भाईचारा में जो हम लोग साथ में रहते हैं मुसलमान हिंदू भाई मुसलमान, इसमें कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं उसमें नहीं है, नहीं क्या अभी फर्क नहीं है, सब तो अपना भाई भाई मिल के रह रहे हैं, अब भी मिल के रह रहे हैं, अब भी जो, लेकिन आदमी लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है उसका कारण क्या समझते हैं, क्या लगता? कारण तो ये अभी मोदी आके जो करके दिया, हाँ। पूरा हिंदू मुसलमान ये पूरा झगड़ा करने के लिए मोदी सरकार, तो मतलब ये बोल दे नया सरकार जो जरूरत से ज्यादा हिंदू मुस्लिम बात किया उससे फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ेगा, उसी से फर्क पड़ा। NRC आने वाला जी, इसमें कुछ जानकारी ली जाएगी लोगों से जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके बाप दादा कहाँ के रहने वाले हैं, ये साबित करना पड़ेगा कि आप भारतवासी हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपके पास सारे पेपर हैं? सारे पेपर तो हैं लेकिन ये क्या हो गया है जी, हमारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, राशन कार्ड वगैरह हैं, इसमें सब जो है कभी शॉर्ट नेम लिख दिए हैं, कभी जो है कोई नाम ओमिट हो गया है, फिर वालिद का नाम बदल गया है, ऐसा कुछ हुआ है जी। तो इसके लिए हमारी कुछ परेशानी है, ये आप सोच रहे हैं एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि देखिए पहले इतना अहमियत नहीं रहता था जी, हाँ। लोग सरनेम भी चेंज कर देते थे जी, जी। अब वो सब स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाते थे जी जी, और जितने लोग वोटर आईडी भी बनाते हैं उसमें भी उतने पढ़े लिखे लोग नहीं बैठते जी हाँ, तो ये एक मसला तो है। आपका क्या नाम है? गुलजार खान। अच्छा आपके बाप का क्या नाम है? अब्दुल अजीज खान। अच्छा आप यहाँ बैठे हैं, घर वर नहीं है? सभी छोड़ के चले गए, सब चले गए, तो आप रोड पे रहते हैं? नहीं, नहीं, यही सो जाते हैं, यही खाते हैं? नहीं, नहीं खाना कोई लाभ नहीं, तो लोग ला के खाना दे देते हैं और आप खा के यही सो जाते हैं, कोई घर नहीं है? आपके अपा कहाँ रहते थे? शिवाजी नगर में। वो भी इंतकाल हो गया, वो मर गए, मर गए, अब आप माँ भी मर गई, बड़ा भाई भी मर गया। अच्छा मैं अकेला हूँ। तो अकेले आप हैं और यहीं पर रोड पर रहते हैं, लोग खाना ला के देता है और आप यहीं सो जाते हैं, तो एक ऐसे तो मरने के बाद कोई उठा जो उठा दे, नहीं तो घर पर सुना घर, तो मरने के बाद कोई उठा के डाल देगा कब्र में तो चले जाएंगे, छोड़ देंगे तो कब्र में जाएंगे कि बनी को जाएगा, इसको मालूम है। तो हिंदुस्तान में लॉ तो पास कर देते हैं लेकिन ऐसे लोग हैं, इनका क्या कीजिएगा? डिटेंशन सेंटर में डालिएगा? सोचिए लॉ बनाने से पहले ऐसे लोगों का भी ख्याल करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।